क्वेश्चन नंबर 15, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? चेन बेस इंडेक्स नंबर। देखो आज क्या निकालना, अपने को लिंक रिलेटिव और रिंग रिलेटिव निकालने के बाद हम क्या करेंगे, चेन बेस इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो अभी पहले क्या है, ईयर क्वेश्चन 15, पर्सन्स, प्राइसेस है 23, 28, 35, 45 और 52। अभी सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिंक रिलेटिव्स। तो लिंक रिलेटिव के लिए फॉर्मूला क्या है, जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हर जगह पे फॉर्मूला लिख नहीं सकते हो, तो नीचे क्या करो, आंसर में लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला लिख दो। क्या फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ करंट ईयर मतलब P1, प्रीवियस ईयर प्राइस मतलब क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे बेस ईयर नहीं ले सकते ना, इसके लिए क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ CY मतलब करंट ईयर, प्राइस ऑफ PY मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, इनटू 100। तो सिंपल है, अगर आप लिंक रिलेटिव निकाल रहे हो तो क्या लिखा है फॉर्मूला लिंक रिलेटिव के लिए, प्राइस ऑफ करंट ईयर, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर चलो ले लिया 23, है ना, बट प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले साल का कोई प्रीवियस ईयर है क्या, नहीं है, है ना। हम लोग क्या करेंगे फिर, पहले साल का लिंक रिलेटिव क्या रखेंगे, ऑलवेज 100, ठीक है, ये हो गया पहले साल में। अब दूसरे साल में आ जाओ, यहाँ पे यहाँ पे कैसे करना, प्राइस ऑफ करंट ईयर, तो दूसरे साल 2002 का करंट ईयर का प्राइस कितना है 28, है ना, और प्रीवियस ईयर का प्राइस मतलब पिछले साल का 2001 का प्राइस कितना है 23 इंटू 100। तो देखो कितना आ रहा है, ये कैसे लोग, ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 35 अपॉन क्या होगा 28 इंटू 45 into 100 ठीक है। तो ये तो हो गया लिंक रिलेटिव, फिर अपने को चेन बेस इंडेक्स निकालना है। अभी आगे क्या निकालना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, यानी लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, तो लिंक रिलेटिव करंट ईयर क्या है 100, है ना, इंटू चेन बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो चेन बेस इंडेक्स हमने पिछले साल का निकाला है क्या, नहीं, तो ये भी क्या रहेगा 100 ही रहेगा पहले साल में, ठीक है।
फिर दूसरे साल में आ जाओ तो दूसरे साल में क्या मेरे को चाहिए, एवरेज लिंक रिलेटिव. तो लिंक रिलेटिव क्या है यहाँ पे 121.74 इनटू जनरस इंडेक्स कितना है प्रीवियस ईयर का 100 है ना, और डिवाइडेड बाय क्या 100. तो इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 121.74. समझ में आया ना, ठीक है. तो इसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है करंट ईयर का लिंक रिलेटिव. तो करंट ईयर का लिंक मतलब अभी हम लोग कौन सी ईयर में काम कर रहे हैं, 2003 में. 2003 का लिंक रिलेटिव कितना 125 है ना. फिर चेन बेस इंडेक्स ही अपने वो कभी का चेन बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मतलब पिछले साल का, 121.74 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 100. अब करो 152.18 है ना. फिर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लोग यूज करेंगे, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर. तो करंट लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मतलब जिस साल का कर रहे हैं 2004 का कितना है 128.57 इंटू चेनवेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, वो कितना है 152.18. डिवीजन में क्या आएगा 100. फिर यहाँ पे 115.55 इंटू 195.65 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, समझ में आया. चेन बेस इंडेक्स कर लो, यहाँ पे उसका भी फॉर्मूला लिख देना, चेन बेस इंडेक्स का भी फॉर्मूला लिख देना नीचे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 देखो अभी इसके पहले जो हमने किया था ना उसमें क्या था, खाली एक कमोडिटी थी है ना, एक ही कमोडिटी का प्राइस था. और यहाँ पे क्या है, तीन तीन कमोडिटी है और तीनों के क्या है अलग से प्राइस दिए हुए, ठीक है. ये थोड़ा सा क्या है देखो अभी पहले क्वेश्चन लिख लो, कमोडिटी क्या है ए बी और सी, ठीक है. 45, 60 और 65. तो इसके पहले भी डेटा दिया था हमको, ईयर दिया था और क्या दिया था, एक प्राइस दिया था है ना. अभी भी दिया लेकिन तीन का है, तो तीनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले लिंक रिलेटिव्स और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग उसको टोटल करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, फिर चेन बेस इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है. तो देखो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे क्या निकालने वाले हम लोग लिंक रिलेटिव्स. तो पहले लिंक रिलेटिव्स है ना, कमोडिटी पहला ईयर 2002, 2003, 2004, 2005 ए का लिंक रिलेटिव निकालते हैं.
पहले साल का लिंक रिलेटिव क्या होता है, ऑलवेज 100 होता है, है ना। तो ए का देखो पहले साल का प्राइस कितना है, 35। तो 35 हम लोग लिंक रिलेटिव कैसे निकालते हैं, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, है ना। तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर तो अभी 2002 का निकाल ले, तो 2002 का करेंट ईयर का प्राइस क्या होगा, 35। उसके नीचे क्या प्रीवियस ईयर का प्राइस, और 2002 के पहले का प्राइस दिया है क्या अपने को, नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे चेंज में सिंह लिंक रिलेटिव क्या होगा इसका, 100 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर 2003 में जाओगे तो क्या करोगे, प्राइस क्या है करेंट ईयर का, फिर नीचे कितना किसका प्राइस आएगा बोलो, प्रीवियस ईयर का प्राइस इंटू 100, है ना। तो कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट करो, 111.42। फिर 2004 में 42 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 39 into 100, वन जीरो सिक्स नाइन, है ना। फिर 45 के पहले क्या है, 42 into 100, 0.14, ठीक है। ये ए का निकाला हमने, है ना। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी का, बी का भी पहले साल में कितना देंगे, 100। सेकेंड ईयर में क्या है बी का, ठीक है, डायरेक्ट कर लें, समझेगा तुम लोग को डायरेक्ट कर लें। तो 45 डिवाइडेड बाय 30, 118.42, फिर क्या है 52 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 45 होगा ना, 115.55। तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 52 115.38 ना, ये बी का होगा। फिर इसी तरह से सी का पहले साल में क्या लेंगे, 100। सेकेंड ईयर में 51 अपॉन क्या करोगे, 42 मल्टीप्लाई 100 121.42, ठीक है। फिर 56 अपॉन 51 109.80। फिर इसके बाद 65 अपॉन 56 मल्टीप्लाई 100 116.7, ठीक है। ये हो गया, समझाना कैसे कैलकुलेट किया, कोई डाउट नहीं। तो क्योंकि अपने को एवरेज निकालना है यार, देखो चेन ब्रेक्स के लिए क्या चाहिए, इसके पहले वाले सम में ना एक ही कमोडिटी का प्राइस दिया होता है, इसके लिए उन्होंने एवरेज नहीं निकाला था। बट यहाँ पे देखोगे तो क्या है, एवरेज लिंक रिलेटिव है ना। तो चेन ब्रेक्स इंडेक्स के लिए क्या चाहिए, एवरेज लिंक रिलेटिव। तो एवरेज लिंक रिलेटिव कब मिलेगा आपको, जब आप क्या करोगे तीनों लिंक, ये क्या लिंक रिलेटिव है ना, ये इनका क्या करोगे आप टोटल करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल लिंक रिलेटिव, इनका टोटल करो तीन कितना आ जाएगा, 300, ये 2 12, ये क्या ये क्या 2 10 11, 2 3 4 5 3 51 5 14 7 12 20 2 9 14 23 3 3, आठ 4 12 7 19 एवरेज निकाला है, सॉरी अभी टोटल लिंक रिलेटिव निकाला, अभी हम क्या निकालेंगे, एवरेज
लिंक रिलेटिव्स। एवरेज कैसे करते हैं, ये कितने का टोटल, तीन का टोटल ना, है ना, तीन से क्या करोगे डिवाइड, तो 300 को तीन से डिवाइड किया तो कितना आएगा 100। अभी 351.22 को डिवाइड करो थ्री से, 117.07। फिर 333.4 डिवाइडेड बाय 3, 111.01। 338.59 डिवाइडेड बाय 3 कितना है 112.86। समझ रहा है, ये क्या था, एवरेज लिंक रिलेटिव्स। अब क्या निकालेंगे हम लोग, लिंक रिलेटिव्स निकालना, अभी क्या निकालेंगे, चेंजेस इंडेक्स। चेंजेस इंडेक्स के लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पे भी लिख सकते चाहिए, तो चेंजेस इंडेक्स पहले साल का चेंजेस इंडेक्स ऑलवेज क्या आएगा 100 आएगा। फिर सेकेंड ईयर का चेंजेस इंडेक्स क्या होगा 2003 का, बोलो क्या फॉर्मूला है, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर मतलब 2003 का आप निकाल रहे हो ना, 2003 का लिंक रिलेटिव कितना है, एवरेज 117.07। फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, चेंजेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो चेंजेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है 100 डिवाइडेड बाय क्या, तो इसका आंसर क्या आना 117.07। फिर अगेन लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इंटू चेंजेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना, डिवाइडेड बाय 100 करो तो जरा। यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज लिंक रिलेटिव्स मल्टीप्लाई बाय चेंजेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये फाइनल आंसर आपका चेंजेस इंडेक्स 112.86 इंटू 129.95 146.6। ठीक है, समझ में आया कुछ, इसके पहले क्या हो सिंगल कमोडिटी, अभी ये क्या तीन कमोडिटी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है एवरेज, है ना, तो क्या किया हमने पहले लिंक रिलेटिव्स एक एक का निकाला, एक एक कमोडिटी का, फिर उसके बाद क्या किया उसका टोटल किया, फिर टोटल का क्या किया हमने एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद फिर हमने चेन बेस इंडेक्स बनाया। समझ गया, ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है खत्म। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा कोई चैप्टर हो भी, ठीक है।